खबर आ रही है आपको बताएं लखनऊ से, जहां एसपी के बागी नेताओं पर कार्रवाई की खबर है। बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया ऐसे सदस्यों को जिनके तेवर बागी थे। पूर्व विधायक असीम भाई एसपी से निष्कासित हो चुके हैं। एआईएमआईएम के समर्थन में इनके जो आरोप लगे थे उसी के एवज में बाहर का रास्ता देखने को मिला है। इटावा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव भी बाहर हो गए हैं। निकाय चुनाव में पार्टी से बगावत के आरोप हैं इन नेताओं पर, और निकाय चुनाव के बाद पार्टी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एसपी से रुखसत हुए हैं कुछ नेता, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बगावत की स्थिति में इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के बाद ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया है, जहां पे पूर्व विधायक अजीम भाई एसपी से बाहर हो चुके हैं। इन पे आरोप हैं एआईएमआईएम को समर्थन देने का। इटावा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव भी बाहर हुए हैं। इनके भी निकाय चुनाव के समय पार्टी से बगावती तेवर महंगे पड़े, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इटावा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव निकाय चुनाव में पार्टी से बगावत करना कार्रवाई के रूप में अब सामने आया है, जहां पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो निकाय चुनाव के बाद सपा पार्टी में अखिलेश यादव ने बड़े फैसले लिए हैं। बागी तेवर वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पार्टी के नियम कानून कायदे को नहीं अपनाने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है, इसी बात को साबित करते हैं ये फैसले, जहां पे पूर्व विधायक तो दो कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है।